आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक मोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोर के बारे में जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है जिसकी लंबी और चमकदार पूंछ होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटिस है। वैसे इनके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, इसलिए इस एपिसोड में हमने मोरों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी इकट्ठा करके लाई है। आज हम आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बल्कि वे बुद्धिमान भी होते हैं? शोधकर्ताओं ने पाया है कि मोर खुद को शीशे में पहचानने में सक्षम होते हैं, जो आत्म जागरूकता का एक संकेत है। वे पहेलियां हल करने और जटिल समस्याओं को याद रखने में भी सक्षम है, जो पक्षियों के साथ अक्सर नहीं जुड़ा होता है। क्या आप जानते हैं कि मोर वास्तव में मोरिडाई प्रजाति का नर होता है, जबकि मादा को मोरनी कहा जाता है? मोर अपनी सुंदर पंखों के लिए जाना जाता है, जिन्हें वास्तव में ट्रेन कहा जाता है। ट्रेन लंबे रंगीन पंखों से बनी होती है। इसके अलावा मोर के पंख सिर्फ दिखावा ही नहीं है, बल्कि यह शिकारियों को भी दूर भगाने का एक तरीका है। जब मोर को खतरा महसूस होता है, तब वे अपने पंख फैलते हैं और किसी भी संभावित शिकारियों को डराने के लिए एक तेज आवाज करते हैं। मोर अपने रंगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर के पंखों के रंग वास्तव में वर्णक नहीं है? मोर के पंखों के रंग प्रकाश के प्रति उनकी सूक्ष्म संरचनाओं के प्रतिबिंब के कारण बनते हैं। इसे इंद्रधनुषी कहा जाता है, और यह वही प्रभाव है जो साबुन के बुलबुले और तेल के छींटे को रंगीन बनाता है। मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बल्कि वे बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं। उनके पैर शक्तिशाली और मांसल होते हैं, जिससे वे 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वे हवा में कुछ दूरी तक उड़ सकते हैं। हालांकि अपनी ताकत के बावजूद मोर अच्छे तैराक नहीं होते हैं। वास्तव में वे पानी से जितना हो सके बचते हैं, क्योंकि उनके पंख गीले होने पर भारी और पानी से लथपथ हो जाते हैं, जिससे उन्हें उड़ना मुश्किल हो जाता है। मोर सिर्फ जंगल में ही नहीं पाए जाते बल्कि उन्हें दुनिया के कई हिस्सों में पालतू रूप में भी रखा जाता है। वे अपने मिलनसार और सामाजिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें अक्सर चिड़ियाघरों, पार्कों और यहाँ तक कि लोगों के बैकयार्ड्स में भी रखा जाता है। कुछ संस्कृतियों में मोर पवित्र जानवर माने जाते हैं, और वे अक्सर कला और पौराणिक कथाओं में चित्रित किए जाते हैं। मोर भारत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों के मूल निवासी हैं। वे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और भारतीय कला और पौराणिक कथाओं में अक्सर चित्रित किए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कार्तिकेय को अक्सर मोर की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। मोर सिर्फ पश्चिमी संस्कृति में ही लोकप्रिय नहीं है बल्कि वे पूर्वी संस्कृतियों में भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। चीन में मोर सौंदर्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जापान में मोर को शाही परिवार से जुड़ा माना जाता है और अक्सर कला और वस्त्रों में चित्रित किया जाता है। मोर सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस जानवर होते हैं। वे घास तथा इंसेक्ट्स दोनों को खाते हैं। उनका आहार फलों, बीजों, कीड़ों और छोटे मैमल्स से बना होता है। वे सांप और अन्य सरीसृपों को भी खाते हैं, जिन्हें वे अपनी तेज चोंच से मार देते हैं। मोर की पुकार को अक्सर एक तेज भेदक चीख के रूप में वर्णित किया जाता है। वे इस ध्वनि को अपने साथी को आकर्षित करने और अपनी क्षेत्र को स्थापित करने के लिए करते हैं। प्रजनन के मौसम में मोर अक्सर अपनी इस पुकार को अपनी पूंछ के पंखों को प्रदर्शित करते हुए करते हैं। मोर न केवल देखने में सुंदर होते हैं बल्कि वे अपनी विशिष्ट गंध के लिए भी जाने जाते हैं। नर के रंप पर एक ग्रंथि होती है जो एक मस्की गंध पैदा करती है। मोर साहित्य और कविता में एक लोकप्रिय विषय है। विलियम बटलर येट्स की कविता द इंडियन टू हिज लव में मोर को प्रेम का पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मोर को प्रेम के देवता से जुड़ा माना जाता है। मोर कैप्टिविटी में 20 साल तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है।
हालांकि जंगल में उनका जीवन काल शिकारियों, बीमारी और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण बहुत छोटा होता है। अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको मोरों और उनके आकर्षक गुणों के बारे में और जानने में मजा आया होगा। आपको सबसे दिलचस्प तथ्य क्या लगा, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट के बारे में सबसे पहले पता चल सके। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजिट करें।